नमस्कार, आप सभी का पाइस एंड नाइस किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश कलिया और ये मैं चावल के साथ खाऊंगी। आप सभी को पसंद आएगा, ये बहुत अच्छा रेसिपी है। आप सबको पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज। ये मैं आज बनाने जा रही हूँ मच्छी का कलिया। ये मैंने मच्छी ले लिया, आधा किलो मच्छी लिया है, अच्छा से धो के साफ कर लिया है। मैं इसमें हल्दी और नमक लगा के रख दूंगी। हल्दी 1 चम्मच डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार, और ये आधा नींबू निचोड़ लूंगी ताकि मच्छी का जो उसका एक स्मेल है वो निकल जाए। इसको मैंने थोड़ी देर रख दूंगी लगा के। अब ये मैंने मच्छी में नमक हल्दी और नींबू लगा लिया अच्छे से। इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। ये मैंने मच्छी कालिया के लिए मैंने 2 टमाटर मीडियम टमाटर ले लिया, इसको काट लिया अच्छा से। इसको बॉईल कर लूँगी अभी। ये मैंने 1 बड़ा सा प्याज ले लिया, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा ले लिया, 10 काजू ले लिया और 2 तेज पत्ता लिया, हल्दी पाउडर 1 छोटे चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 छोटे चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच और गरम मसाला पाउडर 1 छोटे चम्मच। दही लिया है मैंने 1 कटोरी और नमक स्वाद अनुसार ले लूँगी। अब मैं टमाटर बॉईल करने जा रही हूँ। ये मैंने टमाटर बॉईल करके पीस लिया है और मैंने ये प्याज पीस लिया है और ये मैंने काजू और नारियल पीस लिया है एक साथ। ये मैंने फिश फ्राई करने जा रही हूँ। एक कढ़ाई ले लिया, वो कढ़ाई गरम हो गया है, हाई गैस में मैंने फिश को फ्राई करूँगी। और मैंने सरसों का तेल लिया है, ये 3-4 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। ये मेरा कढ़ाई गरम हो गया, मैं तेल भी गरम हो गया, मैंने एक एक करके मच्छी दे दूंगी इसमें, सारी मच्छी ऐसे दे के फ्राई कर लूंगी। ये मेरा मच्छी एक तरफ फ्राई हो गया, मैंने पलट दूंगी इसको, पलट के मैंने फ्राई कर लूंगी इसका अच्छे से। ये मैं पलट दिया सारे मच्छी और उस तरफ भी ऐसे गोल्डन फ्राई कर लूँगी अच्छा से। ये मेरा मच्छी दोनों तरफ फ्राई हो गया है, ये देखिए हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये निकाल लिया है और जो बाकी मच्छी बचा था वो मैं देके फ्राई कर लूँगी, वो भी दे दिया है। ये मैंने सारे मच्छी फ्राई कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई में 1 छोटे चम्मच और 1/2 चम्मच तेल डाल दिया है। उसके बाद मैंने 1 लाल मिर्ची तोड़ के डाल दिया है। दो तेज पत्ता लिया था वो डाल दिया है। थोड़ा इसको अच्छा से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलौंजी लिया है और थोड़ा सा सौंफ लिया है। सौंफ का एक मीठापन आता है तो मैं ये फोड़न में दे रही हूँ। अब
दे दिया मैंने इस फोरन में। काला जीरा का एक अच्छा खुशबू आता है कलौंजी का। अब मैं प्याज डाल दूँ। प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर होने तक भून लूँगी अच्छे से। ये मेरा प्याज भून गया है, मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये भी अच्छे से थोड़ा भून लूँगी, फिर उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। अब मेरा ये अदरक लहसुन प्याज भून गया है, मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा हल्दी डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो इसको मिला लेंगे अच्छा से। ये मैं टमाटर डाल दिया, जो पीस के रखा था है वो मैं डाल दिया अभी। अब मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी अच्छा से। मेरा टमाटर पक गया है, मैं ये दही फिट के रखा था ये डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसको अच्छा से मिलाना पड़ता है ताकि इसका वो फट ना जाए दही। मैं अच्छा से मिला लूँगी इसको। अब ये मेरा दही बॉईल हो गया है, दही जो डाला था अच्छे से मिल गया है। मैं सारे मसाला डाल दूँगी, जो मेरा सारा मसाला बचा हुआ है ये मैंने सारे डाल दिया है। अब इसको मिला लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी मैंने पानी डाला था, ये पानी बॉईल हो गया। जो काजू और नारियल पीस के रखा था मैं वो डाल रही हूँ। इसको अच्छा से मिला लेंगे। अच्छा से मिला लिया मैंने। थोड़ा सा बंगाली रेसिपी में थोड़ा चीनी डालता है, तो मैंने भी थोड़ा सा चीनी, एक चम्मच करीब चीनी डाल दिया है। बंगाली हर रेसिपी में थोड़ा थोड़ा चीनी डालते हैं, तो मैंने भी थोड़ा चीनी डाल दिया है। अब ये मेरा बॉईल हो गया, ये मैंने एक एक करके मच्छी छोड़ दूंगी। ये मेरा मच्छी जो है छोड़ दिया मैंने सारे। अब मैं नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, क्योंकि मच्छी में नमक था, थोड़ा टमाटर में मैंने नमक डाला था, तो अब मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देती हूँ। और थोड़ा ऊपर से हरा धनिया। ये मेरा मच्छी का कलिया बनके तैयार है।